नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल वी एंड गार्डनर में एक नई वीडियो के साथ। और इस बार हमारे वीडियो का विषय रहेगा नींबू के बेंडिंग के बारे में। टहनियाँ किस तरीके से एक साइड को हुई हैं, आप किस तरीके से पौधे को सही शेप में ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले सिर्फ दो ही टहनियाँ थी, जब ऊपर से कट लगाया तो क्या हुआ कि इसकी ग्रोथ हाइट के लिए रुक गई और उसके बाद इसकी ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत अभी भी रह गई है, ये ब्रांच इस तरफ आ रही है तो क्या हो रहा है कि टहनी आपस में टकरा रही है। तो ये टहनी तो ठीक है, वन साइड जा रही है, इस टहनी को मुझे दूसरी तरफ लेना पड़ेगा। मजबूत टहनी है तो मेरे पास कपड़े का टुकड़ा है। ध्यान रखना है आपने, जो पतला धागा होगा या मोटा धागा होगा उसको बेंडिंग के लिए उपयोग में नहीं लाना है। उससे ये होगा कि जो टहनी है वहाँ पर उसको बिल्कुल टाइट बांध देगा और वहाँ से टहनी या तो सूख जाएगी या तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरीके से थोड़ा चौड़ा रखना है आपने, या तो रिबन भी ले सकते हैं आप दुकान से इस प्रोसेस के लिए। तो मैं इसे इस टहनी में बांध रहा हूँ, बिल्कुल खुला छोड़ना है आपने ताकि पौधे की टहनी को कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पर टहनी भी मोटी है, बेंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी फिर इसको। अब जब मैं इसको थोड़ा बेंड कर रहा हूँ, काफ़ी है इस वाला, देखो बराबर से ठीक 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 है, काफ़ी है नहीं, बस मामूली जी, बस तो इतनी कर बेंडिंग काफ़ी है। ये बगीचा मैंने और मेरी पत्नी ने साथ में लगाया है 3.5 बीघा में, और अकेले मैं कुछ भी नहीं कर पाता बगीचे में, और उनकी मदद से मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अब ये टहनी आपकी इस तरफ हो गई बेंड करके। 3, 4 या 6 महीने भी अगर इस तरीके से रखूँगा तो बाद में जो है पौधा इसी शेप में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, ये टहनी भी अपने हिसाब से ग्रो करेगी। तो पहला तरीका तो हो गया हमारा ये कि टहनी थोड़ी मजबूत भी थी, दूसरा तरीका इसमें अमल में नहीं लाया जा सकता था। तो मेरे पास दूसरी साइड में एक पेड़ भी था, उसमें मैंने बांध दिया इसको यहाँ पर, और इस तरीके से आपने इसको रखना है। 6 महीने के बाद दोबारा से इस वीडियो को आपसे शेयर किया जाएगा, तो उसमें भी आप देखेंगे जब मैं इसको खोलूँगा तो एक ही जगह में इस तरीके से ये जो टहनी है यहीं पर रहेगी। दोस्तों दूसरे प्रकार में आपकी स्थिति ये आएगी इस तरीके से। अब यहाँ पर आपको दूर तक कहीं आपको बांधने के लिए मिलेगा ना ही इस तरफ, ये है तो शक्कर, लेकिन जब ऊपर से हम इसको टिप लगाएंगे यहाँ से छोटा सा कट, तो यहाँ से दोबारा से नई ब्रांचेस निकलेगी जो जिसमें नींबू भी लगेंगे। लेकिन अगर इस तरीके से इकट्ठे रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो हमें अभी से इस पौधे की शेपिंग करनी है। इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक चाकू ले लेना है और किसी पौधे की टहनी, और इस तरीके से इसको काट देना है। और दूसरी साइड भी आपने इसी तरीके से करनी है। कैंची चाहिए होगी और कपड़ा, तकरीबन बांधने के लिए आपको इतना कर कपड़ा काफ़ी है, और दूसरी साइड भी इतना काफ़ी है। एक साइड से आप पहले ही बांध लेंगे इसको ताकि ये अपनी जगह से ना खिसके जहाँ से हमने इसको घाव बनाया है। इस तरीके से दूसरी साइड भी इसी तरीके से बांध लेना है आपने। इस टहनी को आपने इस तरीके से करना है, और पहला मैंने बांध लिया इस तरीके से यहाँ पर, ये हो गया आपका,
और दूसरा हो गया यहाँ। इससे क्या होगा कि जो लकड़ी है उसके कांटेक्ट में भी नहीं रहेगा और कपड़े से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको इसको बिल्कुल टाइट नहीं बांधना है टहनी, सिर्फ दूरी रखने के लिए इस तरीके से होगा। और आपका जो टिप है यहाँ से लगेगी है तो वैसे सक करे, लेकिन यहाँ से जब टिप लगी तो इससे ऊपर ग्रोथ नहीं करेगा। मैं इसको यहाँ पर और नीचे से यहाँ से स्प्राउट निकलेंगे फिर नई ब्रांचेस, और इसको मैं काट देता। दूसरा प्लांट ये है, इसमें आपको कोई और सपोर्ट देने की ज़रूरत भी नहीं है और आपका काम भी हो गया। ये और टेढ़ी हो जाएगी बाद में, अगर मैं इस तरीके से इसको सेंटर में रखता हूँ तो दोनों जो है पोजिशन में आ जाएगी बाद में। इस टहनी को बांध के थोड़ा सा बैंड करना पड़ेगा, यहाँ से आपने बिल्कुल ढीला रखना है इसको ताकि टहनी को कोई नुकसान ना पहुँचे। इतनी बैंडिंग ठीक है, ये दोनों ब्रांचेज जो निकली हुई है सीधी, ये शक्कर ही है, थोड़ा सा कट लगाऊंगा मैं, नीचे से ब्रांचेज निकलेगी उसमें नींबू लगेंगे। और शक्कर की रिगार्डिंग मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपसे, आशा करता हूँ आपको और जानकारी मिली होगी इससे। और कोई क्वेरीज है या कोई सुजेशन है तो कमेंट करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।